नमस्कार। वैसे मैं इस सब के लिए तैयार नहीं था। वो अंकुर भाई का इवेंट है, मैंने कहा कि आज मैं अभी फेकी ऑडिटोरियम से आ रहा हूँ, वहाँ पे INA ट्रस्ट वालों का एक प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने कहा कि अंकुर भाई का और ये सभी मेरे मित्रगण हैं, तो मैंने कहा इनका इवेंट और मैं अटेंड नहीं करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। देखिए, पिछले 70 साल से आप सब देखते आ रहे हैं और आप सबने अपनी किताबों में पढ़ा है कि 18 अगस्त 1945 को जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके अंदर नेताजी की मृत्यु हो गई। ये सच नहीं है। मैं खुद पेशे से टीचर हूँ और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को एक्सपोर्ट भी करता हूँ मैं। लेकिन जब मैं अपने आज की जनरेशन को देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 2005 से पहले की कुछ बात, कि जब किसी से पूछा जाता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है कब है, किसी को नहीं मालूम होता था। न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पे कुछ नहीं आता था। ऐसा कैसे हो सकता कि जिसने हमारे आज़ादी के लिए इतना कुछ किया, हम उसे इस तरीके से भूल जाएं कि आज की जनरेशन को उसका जन्मदिन तक याद नहीं है। ये सब एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर फैमिली जिसने बहुत लंबे समय तक इस देश पे राज किया है, वो कभी नहीं चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्य इस देश के सामने, इस दुनिया के सामने आए। इसलिए एक को बापू बना दिया और दूसरे को चाचा बना दिया, लेकिन जिसने देश के लिए वास्तव में कुछ किया उन्हें कभी सामने नहीं आने दिया गया। हम लोगों ने बहुत लंबे समय से, 2005 में हम लोगों ने मिशन नेताजी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, जिसके अंदर अनुज धरजी, जिन्हें आप न्यूज़ चैनल पे देखते रहते हैं, और उन्होंने इस विषय पे काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं। हम लोगों ने रिसर्च किया है, डॉक्यूमेंट्री शूट करी है। कुछ लोगों ने कहा वो यहाँ रहते थे, हम लोगों ने हर जगह जाके अपनी शूटिंग वगैरह की पूरा प्रॉपर रिसर्च किया है। हमने मायावती जी को भी लिखा था जब वो उत्तर प्रदेश की CM थी। हमने मनमोहन सिंह जी को भी एक लेटर लिखा था जब वो हमारे प्रधानमंत्री थे, और हमने प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने बाद श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मिशन नेताजी की तरफ से एक लेटर लिखा था, और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि बहुत लंबा समय हो गया और इसके ऊपर अब कुछ काम किया जाना चाहिए। तो पिछले साल 14 अक्टूबर 2015 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरे परिवार के साथ मिशन नेताजी के सभी 5 सदस्यों को नरेंद्र मोदी जी ने अपने घर पे बुलाया और बहुत डिटेल में हमसे इस विषय पे बात करी। जब हम लोग जा रहे थे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना समय देंगे, प्रधानमंत्री हैं और बहुत व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है। हम लोगों ने सोचा आधा घंटा या कुछ, लेकिन आप विश्वास करेंगे पहले 2 घंटे तक उन्होंने हम सबको बैठा के पर्सनली हम लोगों से बात करी, और उन्होंने विषय जाना कि एक विषय क्या है और हम लोग क्या चाहते हैं। बात का जो आधा घंटा था, बात के आधे घंटे में उन्होंने कुछ वादे किए, और उन वादे को आप कैसे, मैं सोच नहीं सकता। हम लोग पूरी टीम जो 50 लोगों की गई थी, हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी मोदी जी से। प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है झूठे वादे करें, और दूसरे नेताओं की तरीके से उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली और मेरी सरकार, हम लोगों की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की जानकारियों को अब आम जनता से और लंबे समय तक छुपाया जाए। हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो देश के हित में ना हो, और हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्य से जल्दी पर्दा उठाएंगे। और 23 जनवरी 2016 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से इस डी क्लासिफिकेशन इश्यू मूवमेंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और लंबे समय तक हम लोग डी क्लासीफाई करते रहेंगे फाइल्स। उन्होंने ये वादा किया, थोड़ी सी आशा की किरण लगी। लेकिन जब हम लोग मोदी जी के घर से बाहर आए 1 हफ्ते बाद, देखते तो मोदी जी ने स्पेसिफिक इस विषय पे बात करने के लिए सुषमा स्वराज जी को रशिया भेजा, और वहाँ पे जाके उन्होंने सही 1 हफ्ते बाद 21 तारीख के आसपास, उन्होंने 21 अक्टूबर 2015 को उन्होंने इस विषय पे जाके रशिया में बात करी। दिसंबर में जो मोदी जी का विजिट था वो शायद पब्लिकली नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने खुद पर्सनली भी इस विषय पे बात करी। और कल का दिन, वो दिन जिसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और आप सबका भी सपोर्ट, आप में से कई मित्रगण हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से इस पे हम लोगों का सपोर्ट करते आ रहे हैं, कल जाके वो दिन आया जब नरेंद्र 70 साल बाद कुछ 100 फाइलें हमारे हाथ में लगी हैं, डी क्लासीफाई हुई हैं। हालांकि बहुत जल्दी होगा अगर हम एक समरी पे, कंक्लूजन पे पहुँचे कि इन फाइल में क्या है, क्योंकि 100 फाइलें हैं और एक एक फाइल में 250-250 पेजेस हैं, तो हमारे को भी उसे स्टडी करने में, उस पर पूरा रिसर्च करने में टाइम लगेगा, और हमें देखना होगा कि ऐसी क्या चीज़ें जो मिशन नेताजी के पास या हम रिसर्चर्स के पास पहले नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, कल मैं जी न्यूज़ के साथ था, मैं 10 बजे से लेके 3 बजे तक जी न्यूज़ के साथ था, और मिशन नेताजी के सब टीम मेम्बर किसी न किसी न्यूज़ चैनल के साथ थे। 11:30 बजे
मैंने अपनी न्यूज़ एंकर को टीवी पे लाइव टीवी पे बोला कि नेताजी की पत्नी को ब्लैंक चेक ऑफर किया गया था और उस ब्लैंक चेक को लेके आपके महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गए थे और उस ब्लैंक चेक के साथ उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद पेमेंट का ऑफर किया गया उनकी बेटी को अनीता बोस को, उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और 6,000-6,000 रुपये उस टाइम पे 6,000-6,000 रुपये की आप मतलब समझते हैं। उस टाइम पे कल मैं अपने एक अनुज जी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे जानकारी दी क्योंकि इतना मतलब छोटी सी उम्र में मेरे को नहीं मालूम था उस टाइम पे क्या इनकम होती थी। तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पे उन्हें 6,000 रुपये मिलते थे जिस टाइम पे IPS IAS की जो तनख्वाह होती थी वो 125-200 रुपये होती थी। ये आपको 50-60s की बात बता रहे हैं। आप 6,000 रुपये की वैल्यू समझते हैं। आज दो दिन पहले से आपका न्यूज़ किसी शायद न्यूज़ में दिखाया था कि अनीता बोस कह रही है कि उनके पिताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में ही हो गई। आपकी माँ तो इस बात को मानती नहीं है कि उनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। आप कैसे मानते हैं? आप तो 2 महीने की थी, आप कैसे कह सकते हैं? आप कनेक्शन समझ रहे हैं? तो 12:30 बजे के बाद जब ये फाइल निकल के बाहर आई कि अनीता बोस को 6,000-6,000 रुपये मिलता था, वो न्यूज़ एंकर हमारी शक्ल देख रही थी कि ये फाइल डीक्लासीफाई होने से पहले आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे थी और आपने जो बोला था वो बिल्कुल ऑथेंटिक था। तो कहने का मतलब है बहुत ये इशू को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, और कोई बड़ी बात नहीं है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कोई ज़रूरी फाइलें इस UPA सरकार ने अपने समय काल में डिस्ट्रॉय करी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। आप देखें नेहरू के आपको खत, नेहरू चाचा के आपको खत मिल रहे हैं, शर्म आती है। आज की जनरेशन को कैसे याद रहता है कि आज चाचा जी का बर्थडे है, गांधी जी का, कि हम बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए भगवान का आशीर्वाद है इस भारत भूमि पे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया। अगर थोड़े समय तक और ही हमारी UPA सरकार होती तो वो दिन दूर नहीं था कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन मंदिर में चाचा की फ़ोटो लगा के, बापू की फ़ोटो लगा के पूजा करते। वो एक समय हो गया था, हर चीज़ की अति हो जाती है तब भगवान उसके ऊपर अपना काम करते। तो भगवान ने नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया, अन्यथा हमारे को ये दिन देखने को मिला। आप देख सकते हैं कल कुछ लेटर निकले हैं, वो क्लेमेंट एटली को लिख रहे हैं कि जो तुम्हारा वॉर क्रिमिनल है वो रशिया में छुपा हुआ है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करो। क्या किस कि, आप क्या बात कर रहे हैं? आप भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आपको गद्दी इतनी प्यारी थी तो आप शायद अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बोल देते तो वो गद्दी के बिना परवाह करें वो आपको वो गद्दी दे देते। लेकिन आप जो जिससे उन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, आप उसे लेटर लिख के बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो वॉर क्रिमिनल है वो वहाँ पर छुपा बैठा है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। क्या है ये सब? बहुत सारी चीज़ें अभी बाहर आना बाकी है। हर महीने आपको 25-25 फाइलें डीक्लासीफाई होके मिलेंगी जो साइट पे अपलोड होती रहेंगी। नेताजी पेपर .gov.in साइट है जहाँ से आप जाके डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि हम किसी कंक्लूजन पे अगर पहुँचे, क्योंकि कल से आज तक मीडिया चैनल की तरफ से न्यूज़पेपर से ये पूछा जा रहा है कि आप लोग सेटिस्फाई हैं और आप लोग क्या किस कंक्लूजन पे पहुँचे। देखिए तो बहुत जल्दी होगी अगर हम बोलेंगे हम एक कंक्लूजन पे पहुँच गए हैं, लेकिन समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। 70 सालों से जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे एक साथ 100 फाइलें आना और फिर हर महीने कुछ फाइलों का डीक्लासीफाई होना, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। जब मैं जी न्यूज़ पे था तो शकील अहमद जी मेरे सामने थे और उन्होंने बोला आप क्या बात कर रहे हैं, नेताजी तो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है। शकील अहमद जी, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के साथ पार्लियामेंट में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कि कितने कांग्रेस MP वहाँ पे थे, कोई भी नहीं था, 1-2 थे। तो जहाँ आप बात कर रहे हैं ये हकीकत है और हकीकत आ रही है जो आगे आने वाले समय में इतिहास को बदलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद विशाल जी।